सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ में। फिलहाल अभी हम आए हुए हैं एक मंदिर के अंदर, जिस मंदिर का नाम है खाटू जी। शायद बहुत से लोग आप लोग जानते भी होंगे मंदिर कहाँ, बट फिर भी मैं आप लोगों को पूरी अच्छे से डिटेल देने वाला हूँ। दर्शन करने का समय क्या है, हर एक जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते वीडियो को स्टार्ट। मंदिर खाटू, गांव का नाम भी खाटू ही है वैसे तो, रिंगस से पड़ता है ये, 15-17 किलोमीटर पड़ता है। रिंगस से कोई भी बस गाड़ी कुछ भी पकड़ सकते हो, बस और छोटी मोटी गाड़ी भी चलती रहती है, तो वहां से पकड़ सकते हो। और मंदिर का जो टाइमिंग है ओपन होने का, मॉर्निंग में 5 बजे का टाइमिंग है, रात के 10 बजे तक की एंट्री होती है, लास्ट 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो यहाँ से कुछ गलियों में से निकलते हुए दर्शन करने के लिए अगर ऐसा रहे हम। लेट्स गो, एंट्री हमारी स्टार्ट हो चुकी है। लाल अभी चल रहे हैं, राउंड राउंड घूमे, राउंड एंड राउंड। वेट बड़ी तगड़ी हो रही है, अब यहाँ पर फुल है, आप लोग देख सकते हो। फाइनली गाइस लाइन चल पड़ी है, वैसे तो इसी कारण चल पड़े हैं, करते दर्शन अब। यहाँ पर झंडे चढ़ाए जाते हैं, देखो कितनी ज्यादा मात्रा में झंडे हैं यहाँ पे। पूजा यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है और बिल्कुल मंदिर के अंदर जस्ट फाइनली दर्शन वर्शन सब हो चुके हैं, अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। अभी फिलहाल जा रहे हैं रिंगस स्टेशन के ऊपर, जहाँ से हमें अपनी ट्रेन पकड़नी है जिससे कि हम अपने घर पर पहुँच जाए। तो फिलहाल निकलते हैं अभी। तो निकल चुके हैं यहाँ से, तो यहाँ का मेन गेट है। फिलहाल अभी आ चुके हैं रिंगस जंक्शन के ऊपर, यहाँ से अपनी ट्रेन है पैसेंजर।
जो हमें रेवाड़ी लेकर जाएगी। जो आप लोग आरती देख रहे थे वो सनी देव जी की आरती थी। मैं फिलहाल अभी आया हूँ कहीं, मतलब कि जा तो घर पे आया था बट बीच रास्ते में रुक गया। अभी फिलहाल आया हूँ नारनौल अपने भाई के पास, जो आपको पीछे दिख रहा है अपना भाई है। तो फिलहाल अभी आज मंदिर में यहाँ पर मेला लगा हुआ है, इसलिए मंदिर में आ गए दर्शन वर्शन करने के लिए। अरे कहाँ जाना भाई, तो फिलहाल अभी निकलते कुछ खाने पीने के लिए, यहाँ पर देखते कुछ अच्छा मिल जाए। फिलहाल अभी मैं हूँ नारनौल, तो अभी यहाँ से जा रहे घर पे। अभी फिलहाल मैं बस के अंदर हूँ, तो बस के अंदर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अब निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। जिस बस में सफ़र कर रहे हैं फिलहाल वो एसी चेयर बस है, वैसे तो एसी के अंदर है, मतलब कि मज़ा आने वाला है वैसे, क्योंकि एसी बस के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल किया है। ज़्यादातर मैं ट्रेन में किया है, और मैंने ट्रेन तो यहाँ से मतलब कि मॉर्निंग में सुबह 7 बजे की थी जो हमने स्किप कर दी, उसके बाद 3 बजे पहले कोई ट्रेन ही नहीं है, तो फिलहाल हम इसलिए हम बस में जा रहे हैं। सो गाइस, आप लोगों को थोड़ा बस के बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। ये बस फिलहाल लंबी रूट पे चलती है, मतलब झुंझुनू से दिल्ली के लिए। फिलहाल हम जो ट्रैवल कर रहे हैं नारनौल से कर रहे हैं रेवाड़ी के लिए, तो उसको जो चार्ज वार्ज लगता है वो लगता है रेवाड़ी नारनौल से लेकर रेवाड़ी तक का 70 रुपये का चार्ज। बस क्लास आराम से बैठो, बीच में ये लगा लो, बस नॉर्मल स्टॉप होते हैं ये, बस नारनौल से 4-5 बीच में स्टॉप होते हैं, उसके बाद हम फिर सीधा रेवाड़ी। तो 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, क्योंकि अभी काम चला हुआ रास्ते में, इसलिए 1 से 1.5 घंटे का रास्ता, ज़्यादा रास्ता नहीं है। आराम से बैठ के जाओ, कंफर्टेबल सीट है, बट जो सीट का जो साइड है बट वो छोटा था, बहुत ही छोटा साइज है। बीच बीच के बैठे हैं, बट कोई नहीं है, 70 रुपये में वही बात है ना, 70 रुपये में क्या बच्चे की जान लगे। तुम शायद अभी बस का स्टॉप आया था, फर्स्ट स्टॉप कौन सा है बट ये पता नहीं है। फाइनली अभी आए स्टेशन के ऊपर, रेवाड़ी जंक्शन के ऊपर, यहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ेंगे पटौदी के लिए। तो इंतजार है ट्रेन का, देखते हैं किस टाइम आती ट्रेन। ट्रेन अपनी भुजबरेली एक्सप्रेस, अलादत एक्सप्रेस जो अपने भुज्जे चलती है और बरेली को जाती है, तो पटौदी होकर निकलेगी ट्रेन वैसे तो। फाइनली गाइस, हमारी ट्रेन आ चुकी है, आप लोगों के पीछे दिख ही रहा होगा, ये आ गई अलादत एक्सप्रेस। और ये ऊपर क्या सिग्नल लिखा है, Web 7 के साथ में गाजियाबाद का लोकोमोटिव। कल गाइस, जब आ चुका हूँ अपने घर पे, मतलब कि मैं पहुँच तो वैसे 2-2.5 बजे के आसपास गया था, बट अभी टाइम हो रहा है, टाइम शायद अभी हो रहा है 6:30 का कुछ टाइम हो रहा है अभी तो।